नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बाबा जी हैं और यहाँ लाड भैरव जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग सुने, बताइए। बाबा का उत्पत्ति भैया जब मंदिर की भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के तीनों के द्वारा जब मंदिर की भैया कौन सबसे बड़ा है, तो ब्रह्मा जी बोले कि सबसे बड़ा मैं हूँ। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप कैसे बने हैं, तो बोले कि मतलब कि हम वेदों में सबसे बड़े वेदों के ज्ञाता है, मैंने मनुष्य के सृष्टि का सृजनहार किया हूँ, रचना किया हूँ, उस विषय से भी और विषय में भी मैं सबसे बड़ा हूँ। तो भगवान शंकर बोले कि मतलब कि हम ऐसे नहीं मानूंगा कि आप सबसे बड़े हैं। तो भगवान विष्णु को बोला है भगवान शंकर ने, तो भगवान शंकर से विष्णु से पूछे भगवान शंकर की मतलब कि आप बताओ कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो विष्णु ने कहा कि मतलब कि हम तो पहली बात कि सबसे बड़े हैं नहीं। हाँ, तो ब्रह्मा जी तो भगवान शिव कहे कि मतलब कि इसका पता कैसे चलेगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है। तो भगवान शिव बोले कि ठीक है, मैं एक स्तंभ प्रकट कर रहा हूँ, उस स्तंभ का शाम मतलब कि न कोई अंत रहेगा न उसका कोई छोर रहेगा। हाँ, तो भगवान विष्णु को पताल लोक में भेजे और ब्रह्मा जी को स्वर्ग लोक में भेजे। तो भगवान विष्णु 10,000 साल पताल पुरी में पूछते रहेंगे, मतलब कि कोई पता ही नहीं लगा कहाँ तक है इसका 10,000 साल। उसके बाद जब वो ऊपर आए तो कहे प्रभु इसका अंत नहीं मिला, हम पता क्या लगा होंगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी ऊपर गए तो मतलब कि ऊपर से मतलब कि झूठ बोलने के लिए मतलब त्रिका लोक तक गए। त्रिका लोक में जाने के बाद मतलब कि वहाँ से मतलब कि झूठ बोलने के लिए मतलब केतकी का फूल और त्रिका को लेकर के साथी नीचे चले गए। कहे कि मतलब ये साबित ले कि मैं चलूँगा त्रिका को, त्रिका का फूल लेकर, तो मतलब कि भगवान बनाने के लिए पता लगा दिया। तो वहाँ पर मतलब झूठ बोलना रहा, तो वहाँ जब झूठ ऐसा बात बोले ब्रह्मा जी से, तो मतलब कि ब्रह्मा भोलेनाथ से शंकर से बोले जब ऐसे बात, तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए तो त्रिका को भस्म कर दिया, तो ब्रह्मा जी को जो मतलब कहें क्रोध में हो करके उनकी उत्पत्ति की भैरव जी का। भैरव जी का जब उत्पत्ति किए तो बोले कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, तो बोले कि ब्रह्मा का जो पांचवा मुखमंडल बोल रहा है उसे अपने नाखून से काट दो। तो इनका इतना विशाल रूप में उत्पत्ति गया कि तुरंत अपना ब्रह्मा जी का जो पांचवा मुखमंडल बोल रहा था उसे अपने नाखून से जब ऐसे काटे हैं तो कपाली छट के गिरी है जमीन में, और उसके बाद फिर भैरव के हाथ में सड़ गई है। जब सड़ गए तो भगवान शिव के पास गए बाबा, बोले प्रभु ये तो हमारे हाथ में सड़ गया। तो बोले कि मतलब कि आप भ्रमण करो ला भैया, हाँ तुम्हारे हाथ से छूट कर गिर जाएगा, उसी जगह तुम ब्रह्म दोष से मुक्त हो जाओगे। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने भैरव ब्रह्मा जी का कपाली लेकर पूरे विश्व में भ्रमण किए, कहीं इनके हाथ से कपाली छूटा ही नहीं। तो जब काशी में यहाँ भटकते भटकते जब आए हैं, जब यहाँ पर आए हैं, तो मतलब कि यहाँ पर आने के बाद मतलब कि उनके हाथ से इसी जगह कपाली उनके हाथ से छूटने का हो जाता है। जब यहाँ कपाली छूट गए तो उसी नाखून में एक पंजा मारे थे, इस कुंड का पानी निकला था। हाँ, ये पानी कभी सूखा नहीं आज। अच्छा। हाँ, इस कुंड का पानी निकला था। रानी भवानी आज से 900 साल पहले इस कुंड का निर्माण कराई थी। और बाबा जब यहाँ काशी में जब आए थे तो उस वक्त बाबा का स्तंभ 7 फीट ऊंचा स्तंभ था बाबा का। आज वर्तमान में बाबा का एक स्वरूप है, ये समझ लिया कि बाबा का इस कुंड का जो मट्टी है जब बाबा के पास का जो दिशा है, बाबा एकदम भीतर तक है। बाबा एकदम भीतर तक है। और वर्तमान में जब इनका औरंगजेब बादशाह ने जब मूर्ति खंडित कर दिया था, तो उस पर मतलब जो इनका भक्त था तो उसको प्रेरणा दिए कि उस सामने का खोल बनवा करके हमारे ऊपर चढ़ा दो, मैं सही हो जाऊँगा। तो दास के हलवाई जतन भर दूध टकरा के पास उनके परिवार का जो भक्त थी उनको प्रेरणा सपना दिए थे, तो उन्होंने मतलब कि खोल को बनवा करके बाबा के ऊपर समर्पित किए हैं। हाँ, और उसके बाद जो तो मतलब कि इनका महत्व जो तो बहुत विशेष है। एक काशी अश्मशाने आनंद बने गौरी त्रिकंठ के विराज थे। जब काशी में किसी का भी आगमन नहीं था तो सर्वप्रथम इनका आगमन गया भया। इसके बाद ये जब आए तो इसके बाद जब इनका जब ब्रह्मदोष यहाँ छूटा, जब ऊपर बाबा अंतर ध्यान हो गए, तो भगवान शिव को लगा कर उन्हीं के आदेश से मतलब इन्होंने ब्रह्मा का हत्या किया बना था।
हाँ तो बोले कि प्रभु जब आए ब्रह्मा जी को जब इनके हाथ से छूटा समुद्र से मुक्त भय तो भगवान शिव जब आए तो ये बोले कि आपको अंदर आने का आदेश नहीं है। बोले क्यों? कहे आपको तो ब्रह्म दोष लगा, कहे मेरा ब्रह्म दोष कैसे छूटेगा। तो भगवान शिव से भैरव जी बोले कि मतलब मेरा ब्रह्म दोष कैसे छूटेगा। कहे आज के बाद ये कहीं शब्द पर आपका भैरव ब्रह्मदोष छूटेगा। आज के बाद प्राणी भैरव याचना करने वाले होंगे, आपको काशी में सबको मुक्त दिलाना पड़ेगा। तो वाराणस्याम भैरव देव संसार भय नाशनम अनेको जन्म कृतम पापम दर्शन हो। भगवान शिव ने भैरव को वरदान दिया कि जाओ आज से जो भी भैरव याचना करने वाले भी प्राणी रहेंगे सबको काशी में मैं मुक्त दिलाऊंगा। पूरा विश्व भैरव दंड से ग्रसित रहता दिया, पूरा विश्व जो है कहें कि यहाँ काशी में रहने वाले प्राणी को यम यातना लगता है। और यम यात्रा क्या है? भैरव यात्रा। क्या समझे? भैरव यात्रा पूरे विश्व को जो ग्रसित किया है वो भैरव यात्रा है। तो भैरव यात्रा से पूरा आदमी जाना भी सुखाती है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं किस जन्म का पाप भोग रहे थे, क्योंकि ये मनुष्य के पापे हरने के लिए और खाने के लिए विराजमान। क्या समझाओ? कभी आप इनके यहाँ अगर जाइएगा तो अनेकों जन्म का जो पाप रहेगा, कहने का मतलब जन्म जन्म उन्होंने जतन करा दी। तो कहने को मतलब जैसे आदि जन्म पहले संत महात्मा थे कि हजारों हजार साल तपस्या करते थे तब जाके प्रभु का दर्शन होता था। अब तो कल ही काल कलयुग में कर क्यों कल पाता? जब तुम कल किसी को कल पाओगे तो कल क्या भाग पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा भैया। तो यहाँ पर मतलब की इच्छा से भाव से हमें जान दे सरकार, तो हमें जब उनके शरण में आ गए तो हमको देख ही रहे कि मतलब कि हमारी अस्तित्व तो क्या है। सही बात। अब उनके आगे मतलब कि हम रोई गाय गंदा नानी के पहाड़ा पड़ी या तीन पांच बची आए तो मतलब कहिए कि हमरे ही आगे का हम कहीं समय पर छत छोड़ दा। दुख भी दिए तो आपके कृपा से प्राप्त हुई, सुख भी मिली तो आपके कृपा से प्राप्त हुई। सही सही बात।